डिस्टिंग्विश बिटवीन लोन और ओवरड्राफ्ट। सबसे पहले तो बेटा ये क्वेश्चन 4 मार्क का है। जब भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आता है, पहला पॉइंट क्या लिखने का? मीनिंग। आखिरी पॉइंट क्या लिखने का? एग्जाम्पल। नाउ दोनों केस में कर्जा बैंक ने दिया है। सो इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ SBI, ठीक है, एक कस्टमर है, बड़ा दुखी है, उसको कर्जा, आंखों में आंसू आ गए, उसको कर्जा चाहिए। अच्छा, लोन और ओवरड्राफ्ट में फर्क क्या है? आपने होम लोन सुना होगा, कार लोन सुना होगा, गोल्ड लोन सुना होगा। नॉर्मली ये सब बड़े लोन देते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, जो लंबे समय के लिए। ओवरड्राफ्ट 1 साल के अंदर 3 से 6 महीने के लिए कर्जा लिया जाता है। तो अभी इस वीडियो में मैं पूरा आपको लोन ओवरड्राफ्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। बट SBI ये बोरोअर है। कौन है? बोरोअर। इसको कर्जा दे रहा है बैंक। लेकिन जैसे आपका 11th स्टैंडर्ड में आप मैथ्स लो या SP लो, आपके ऊपर है। तो कर्जदार या तो लंबे समय के लिए लेगा या छोटे समय के लिए, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लोन क्या है? लोन एक ऐसा अरेंजमेंट है अंडर विच बैंक कर्जा देता है फिक्स पीरियड के लिए। होम लोन रहा तो 20 साल हो सकता है, 25-30 भी हो सकता है। कार लोन 7 ईयर्स के लिए हो सकता है। टर्म लोन 10 साल के लिए हो सकता है। सो कौन से टाइप का लोन है उसके हिसाब से डिसाइड होता है, क्योंकि लोन कौन सा है बेटा? लॉन्ग पीरियड के लिए, शॉर्ट भी हो सकता है। ओवरड्राफ्ट हमेशा हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। बट बेटा ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। सबसे पहले तो लेट अस टेक एग्जाम्पल रिलायंस। रिलायंस का एक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब रिलायंस तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन लेट अस एज्यूम रिलायंस का बैंक में अकाउंट है जीरो, फिलहाल जीरो बैलेंस है, और उसको महिंद्रा एंड महिंद्रा को पे करना है 1 लाख रुपया। तो वो चेक देगा, तो नॉर्मली तो चेक बाउंस होना चाहिए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के तहत SBI महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1 लाख रुपया दे देगा, तो रिलायंस का जो करंट अकाउंट का बैलेंस बन जाएगा -1 लाख रुपीज। मतलब कि आपका बैलेंस जीरो है, फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वो चेक क्लियर किया। ये 1 लाख को, -1 लाख को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस का चेक क्लियर करके एक प्रकार से कर्जा दिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक आदमी 40,000 रुपया पेमेंट करता है, वो डिपॉजिट होता है बैंक में, तो अभी कर्जा कितना बचा? -60,000। ठीक है, तो ये -1 लाख कितने तक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लिमिट देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कि 5 लाख रुपए तक हम आपका कर्जा चेक्स हम क्लियर करेंगे। सो ये अपर लिमिट रहता है ओवरड्राफ्ट का, 5 लाख, 10 लाख। 5 लाख रकम है नहीं, कौन सा क्लाइंट है उसके हिसाब से। रिलायंस का तो हजारों करोड़ मिल सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म करंट अकाउंट वालों को मिलता है, जहां पे उनका बैलेंस जीरो है, फिर भी वो एक लिमिट तक चेक दे सकते हैं और बैंक क्लियर करेगा। जितना क्लियर किया वो बैलेंस लोन माना जाए। लोन लोन आपका करंट अकाउंट वालों को मिलता है, सेविंग अकाउंट वालों को मिलता है, फिक्स को मिलता है, रेकरिंग को मिलता है, ठीक है, इन सबको मिलता है। जबकि ओवरड्राफ्ट सिर्फ करंट अकाउंट वालों को ही मिलता है। लोन लॉन्ग पीरियड है, मैंने जैसे बताया, कार लोन 7 साल, होम लोन 20 साल, टर्म लोन 10 साल, शॉर्ट पीरियड ये 1 साल के अंदर का होता है, 6 महीने से 1 साल नॉर्मली होना चाहिए। अब ये लोन का पर्पस क्या है? तुम बिल्डिंग मशीनरी खरीदना चाहते हो। ओवरड्राफ्ट का पर्पस क्या है? वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल दिवाली में, दिवाली आ रहा है, तुमको गुड्स बनाना है, तुम्हारे पास पैसा कम पड़ रहा है, या एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया तुमको, लेकिन गुड्स बनाना है उसके लिए, या स्टॉक जमा करना है उसके लिए। तो शॉर्ट टर्म इन नेचर। अमाउंट ऑफ लोन विद इंटरेस्ट इज टू बी रिपेड इन इंस्टॉलमेंट। तुम EMI हर महीने भरो या क्वार्टरली भरो या लमसम भरो, उस पर डिपेंड करता है। ओवरड्राफ्ट जब, सिंपल सी बात है, जब SBI ने चेक दिया, रिलायंस ने चेक दिया महिंद्रा को, -1 लाख हुआ जब पैसा आया, तो ओवरड्राफ्ट में एसच EMI नहीं होता। जैसे इस कस्टमर ने पैसा दिया, तुम्हारा लोन कम हो जाता है। जैसे ही तुमने सप्लायर को या किसी को पेमेंट किया, तो तुम्हारा बैलेंस लोन का बढ़ जाता है। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट में EMI नॉर्मली नहीं होता। लोन में EMI मंथली होगा या क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली, वो तुम्हारा और बैंक का कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड है, नॉर्मली मंथली होता है। सिक्योरिटी, सम वैल्यूएबल एसेट, स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट तो ओवरड्राफ्ट में होता है। हो सकता है तुम जमीन गिरवी के लिए दो, तुम्हारे पास शेयर है वो गिरवी दो, गोल्ड दो, ठीक है। गिरवी रखने के लिए बड़े बड़े एसेट्स लगते हैं, वैल्यूएबल और बड़े बड़े एसेट्स लगते हैं। यहाँ पे स्टॉक स्टेटमेंट, फिक्स डिपॉजिट रिसीट दो।
ठीक है ना। लोन का एग्जाम्पल सातवां पॉइंट मैंने क्या बोला था, हमेशा क्या डालने का बेटा, एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसमें, होम लोन लो तो भी चलेगा, कार लोन तो भी चलेगा, गोल्ड लोन तो भी चलेगा, ओड आउट में तुम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टेकिंग ओड आउट फैसिलिटी फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालो तो भी चलता है। तो इस प्रकार से ये लोन और ओवरड्राफ्ट के 7 पॉइंट खत्म आए। आपको कुछ भी डाउट्स या कोई सेपरेट वीडियोस चाहिए जो मैंने सबके बनाए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। वीडियो को जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।